में चले जाइए। तो आपको क्योंकि दो रिसेट चाहिए होंगे, क्योंकि आपको काउंटर डाउन जीरो को भी रिसेट करना है, काउंटर डाउन वन को भी करना है, तो मैंने दो रिसेट यहाँ से ले लीजिए। इस तरीके से मैंने ये रिसेट लिए, देन अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए, इसको डाउनलोड करके देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि काउंटर हम कैसे यूज करते हैं, यानी काउंटर डाउन हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, जो भी पल्स मैंने प्रीसेट में पहले काउंटर में -4 दिया, इसका मतलब फिफ्थ नंबर यानी पांचवी पल्स में मेरा आउटपुट ऑन होगा, और -5 क्योंकि मैंने काउंटर डाउन में दिया है, तो जैसे ही 6 नंबर की पल्स आएगी तो मेरा क्या हो जाएंगे, काउंटर दोनों रिसेट हो जाएंगे। तो अभी देखिए दोनों काउंटर हमारे जीरो पे हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटर ज़्यादा है प्रीसेट से, इसलिए दोनों डन बेटा ऑन है, और D2NC इंस्ट्रक्शन मेरा क्या, आउटपुट मेरा ऑफ है, यानी यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पल्सेस देनी पड़ेंगे। तो मैंने जब ऑन किया, देन आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे फोर्सेस इनेबल करने पड़ेंगे। देखिए दोनों काउंटर मेरे पैरेलल चल रहे हैं, यानी दोनों काउंटर ने क्या काउंट किया, वन काउंट किया था, और अभी यहाँ पे देखिए ये -2 पे गया, -2 पे, क्योंकि काउंटर डाउन है तो ये डिक्रीमेंटल चलेंगे। देन फिर से यहाँ से आगे जाएंगे तो देखेंगे आप, ये -3 हो गया, देन आगे और भी पल्सेस देंगे तो ये -4 हो गया, जैसे आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि -5 हो गया, क्योंकि -5 क्या होता है, कम होता है, प्रीसेट ज़्यादा हो गया तो डन बिट लो होगी, लो यहाँ पर लो होने की वजह से, क्योंकि एनसी इंस्ट्रक्शन है, मेरा आउटपुट ऑन हो गया। नेक्स्ट पल्स जैसे ही देंगे तो ये -6 पे काउंटर नंबर 1 चला जाएगा, और यहाँ पर भी डन लो होगी, और एनसी इंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये रिसेट हो जाएगा। देखिए तो रिसेट होने पे आपने देखा यहाँ पे ये -1 पे चला गया। फ्रेंड्स अगर आपको याद हो, काउंटर अप की वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं 6 नंबर की पल्स दे रहा हूँ तो रिसेट तो हो जाता है काउंटर, लेकिन वो काउंटर काउंट भी कर लेता है उस पल्स को। तो मुझे अगर इस काउंटर को 0 पे पहुँचाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था काउंटर अप की वीडियो में, कि आपको क्या करना पड़ेगा कि इनपुट का एनसी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो इनपुट मैंने लिया है 0 नंबर, सेम एड्रेस आपको यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, मेरा काउंटर रिसेट हो जाएगा, और रिसेट होने का मतलब क्या है, सीधे काउंटर 0 पे चला जाएगा, ना कि वो -1 पे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप रिसेट करने के लिए पल्स देते हैं तो उस समय काउंटर 0 पे चला जाता है, लेकिन जैसे ही उस पल्स को रिलीज करते हैं तो काउंटर क्या करता है, उस पल्स को काउंट कर लेता है। तो अगर आप यहाँ पे एनसी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो इसका यूज करने से क्या होगा, काउंटर सीधे 0 पे चला जाएगा, ना कि वो -1 पे जाएगा। देखिए मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे पहली पल्स जैसे ही मैंने दिया तो यहाँ से अगेन फिर से आपको फोर्स इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही पल्स पहले दी तो दोनों काउंटर ने 1 -1 -1 काउंट किया। सेकेंड पल्स देंगे तो यहाँ से देखिए दोनों काउंटर -2 पे चले गए। थर्ड पल्स जैसे ही जाएंगे तो -3, और -4 पे जैसे ही आप जाएंगे तो अभी भी देखेंगे दोनों काउंटर -4 पे है। जैसे ही -5th, अगली 5th पल्स जाएगी तो ये काउंटर क्या किया, यहाँ से डन बिट लो हुई, और ऐसे क्योंकि ले रखा है, अपोजिट लेना होगा तभी आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आ रहा है। जैसे ही नेक्स्ट पल्स मैं दूंगा यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि ये काउंटर दोनों मेरे क्या हो गए, सीधे 0 पे चले गए। यानी अगर आप ये एनसी यहाँ पे यूज नहीं करते तो ये काउंटर -1 पे जा रहे थे, लेकिन ये यूज करने से क्या फायदा हो गया कि काउंटर सीधे 0 पे चले गए। तो इस तरीके से हम काउंटर डाउन भी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। काउंटर अप का जो पर्पज होता है वो क्या, इंक्रीमेंटल पल्सेस काउंट करने के लिए होता है, और काउंटर डाउन का मतलब ये होता है ये डिक्रीमेंटल पल्सेस काउंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई म्यूजियम है और आप चाहते हैं कि एंट्री गेट पर कितने लोग आ रहे हैं, म्यूजियम के अंदर कितने लोग जा रहे हैं, आप काउंटिंग कराना चाहते हैं, तो उस जगह हम काउंटर अप यूज करते हैं। आप चाहते हैं कि एग्जिट, जैसे भी लोग एग्जिट हो म्यूजियम से, तो कितने लोग बाहर निकल गए, तो उनको काउंट करने के लिए काउंटर डाउन यूज करते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी वीडियोज के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, मेरे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जो आगे वीडियोज होंगी वो कंपेयर इंस्ट्रक्शन पे होंगे कि हम वैल्यूज को कैसे कंपेयर करते हैं, और उन वैल्यूज का यूज करके या कंपेयर का यूज करके हम आउटपुट कैसे कंट्रोल करते हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लगातार फॉलो करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे